नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में। तो यहाँ पर फिर से मौका मिल रहा है यूपी पुलिस वालों के लिए, जिनका DVPST छूट गया है उनके लिए फिर से यूपी बोर्ड ने, पुलिस भर्ती बोर्ड ने फिर से मौका दिया है। तो इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर देना दोस्तों। इस पे कम से कम 1000 लाइक तो बनते हैं दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये दोबारा तिवारा से मौका मिला है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने DVPST अभी तक उनका हुआ नहीं है। तो उनके लिए दोस्तों इस खुशी में कम से कम एक बार एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को जितना भी शेयर करेंगे आपके लिए ही फ़ायदा होगा दोस्तों, क्योंकि जितना इसे पब्लिश करोगे वीडियो को उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। जिनका रह भी गया है इन वीडियो के माध्यम से ही आपकी हेल्प हो रही है। तो दोस्तों इसे लास्ट तक ज़रूर शेयर करना, और जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और बाजू में घंटी का चिन्ह आएगा उसको भी दबा लें ताकि ऐसी आने वाली वीडियो मिस ना हो पाए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि जिनका छूट गया था, जिनका अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, आरक्षित पुलिस आरक्षित PSC भर्ती के लिए संबंधित अभ्यर्थी हेतु सूचना। देखो ये जो सूचना है ये अभी अपडेट हुआ है, दूसरा लिंक जो आपको डाउनलोड करने हैं। लेकिन उससे पहले एक यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये आपको नोटिस जारी किया था कि आरक्षित पुलिस व PSC भर्ती पदों की भर्ती के लिए 2018 के अंतर्गत अब तक की संवीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षा कार्रवाई में सफल अभ्यर्थी जिनका शारीरिक दक्षता परीक्षा कार्रवाई नहीं हो सकी है हो पाई है, उन अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में नोटिस जारी किया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैं आपको ओपन करके बताऊंगा। और उससे पहले मैं बता दूं आपको, जिनका ये नोटिस हो गया है तो उसके लिए एडमिट कार्ड के लिए भी यहाँ पे लिंक शो हो गया है, तो वो यहाँ से अपने प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं। यह तीसरी बार मौका मिल रहा है जिनका छूट गया है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट तक कि उनके सेंटर कहाँ पर जा रहे हैं, उनके लिए क्या क्या सूचना दी गई है इस नोटिस में। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना दोस्तों। कम से कम 1000 लाइक तो बनते हैं दोस्तों, जितना भी हो इस वीडियो को शेयर करो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। जो नोटिस है वो मैंने आपको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि ये आपका नोटिस था, ये 7 जनवरी को अपडेट हुआ है। तो आरक्षित नागरिक पुलिस आरक्षित PSC के पदों पर सीधी भर्ती 2018 के अंतर्गत अब तक समान हुए अभिलेखों की संवीक्षा शारीरिक मानक परीक्षा व शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान बोर्ड को प्राप्त हुए परिकरणों के नियमानुसार निस्तारण प्रस्तावित। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं निस्तारण जो प्रस्तावित हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि ये हट गया है, मैं दोबारा से इसको नोटिस दिखा देता हूँ। ये इसे हम पढ़ लेते हैं दोस्तों, मैं बिल्कुल अभी रीड करके बताऊँगा आपको। ऐसे अभ्यर्थी जिनका बायोमेट्रिक मिलान ना होने के कारण, या ऐसे अभ्यर्थी जिनका बायोमेट्रिक उपलब्ध ना होने के कारण, तथा ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रकरण बोर्ड से संबंधित किया गया और जिनके कारण उपरोक्त अभ्यर्थी की अब तक DVPST कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को DVPST की कार्रवाई दिनांक 9/1 से जनपद लखनऊ की पुलिस लाइन में किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जनपद लखनऊ 9 तारीख से है, और इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूची DVPST की तिथि की सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 8/1 तो 8/1 को एक क्लियर कर दी गई है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना पूर्व में DVPST हेतु निर्गत प्रवेश पत्र पर फोटो युक्त पहचान पत्र और DVPST हेतु आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति व प्रमाणित छाया प्रति के साथ निर्धारित तिथि पर समय से उपस्थित हों। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो चुका है। और फिर दूसरा पॉइंट जिनके लिए उनके वो भी ध्यान से सुने, ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण 26 और 31 तक की DVPST में किन्हीं कारणों से प्रतिभाग नहीं कर सके, उन अभ्यर्थियों की DVPST की कार्रवाई दिनांक 10
से 12 तक जनपद आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, नगर, झांसी, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर के परीक्षण केंद्र पर आयोजित की जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने नए प्रवेश पत्र दिनांक 9/1 से बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि पर समय पर पत्र व आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति प्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित है। और तीसरा आपका नोटिस, आपका आरक्षित श्रेणी के कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा बोर्ड में उपस्थित होकर इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि जाति निवास प्रमाण पत्र होने के बावजूद आवेदित श्रेणी से परिवर्तन कर सामान्य श्रेणी में करते हुए DBPST की गई, जिनके कारण वह असफल हो गए। कुछ ऐसे अभ्यर्थी द्वारा भी शिकायत की गई कि निर्धारित जाति निवास प्रमाण पत्र होने के बावजूद उन्हें सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करते हुए DBPST तथा PET की कार्रवाई की गई। वे PET में सफल और उनके द्वारा अपनी ही श्रेणी में रखे जाने का अनुरोध किया। ऐसी भी अभ्यर्थियों का अभिलेख की पुनः समीक्षा किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में संबंधित अभ्यर्थियों की सूची व समीक्षा की तिथि की सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर सीधी प्रतीत होगी। अभ्यर्थियों को समीक्षा की जाती है कि वह अपना पूर्व में DBPST हेतु निर्गत प्रवेश पत्र एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र DBPST हेतु आवश्यक अभिलेखों की मूल प्राप्ति या प्रमाणित छाया प्रति के साथ निर्धारित तिथि पर समय से उपस्थित हों। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ में सभी के लिए मौका मिला हुआ है। जिनका सब छूट गया था वो फिर से सभी के लिए मौका, टेंशन लेने बात नहीं है। जिनका DBPST 26 से 12 दिसंबर को हुआ था उनके भी एडमिट कार्ड आ जाएंगे दोस्तों। जिनका 10 से और 12 के बीच में उनका नीम सिटियों में उनका DBPST होना है। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, फिर से नमस्कार।